क्या आपके भी गुलाब के पौधे में एक बार फूल आके फूल आना बंद हो गया है, उसमें कलियां नहीं बन रही है, या फिर नए ब्रांचेस नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां पीली होके झड़ रही है, या फिर उसका कलियां इस तरह से सूख जा रही है? तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इस छोटी से चीज से आपके गुलाब के पौधे में कितने सारे फूल भी खिलेंगे और कलियां भी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है गुलाब का, ये सर्दियों का मौसम में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे गुलाब के पौधे में जो एक बार फूल आ जाने के बाद दोबारा से उसमें फूल नहीं आता है, तो हमको ये दो तीन चीज़ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि हमारे पौधे में कभी भी फूल आना बंद नहीं हो। पहला बात तो ये है दोस्तों कि जब भी हमारे पौधों में फूल आए तो उसमें प्रॉपर तरीके से खाद और पानी होना चाहिए। सर्दियों का मौसम में अगर आप हमारे गुलाब के पौधे में ज़्यादा पानी डालिएगा तो फिर हमारे पौधे में फंगस लग सकती है और हमारे पौधे उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं करती है। इसीलिए हमको गुलाब के पौधों में हम लोग को सोच समझ के पानी डालनी चाहिए। एक मिट्टी हमेशा ड्राई हो तभी पानी डालने चाहिए, नहीं तो गीले ही रहने के ऊपर से आप पानी अगर डाल दीजिएगा तो हमारे पौधों में फंगस लगने का कारण हो सकता है और पत्तियां इस तरह से पत्तियां पीली हो के गिर सकती है और हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ये हमारे गुलाब का पौधा है, इसमें काफ़ी दिनों से फूल नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, हमारे किचन में जो ये छोटी सी चीज़ है, इन दो चीज़ों से हमने एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, उसी से हमारे पौधे में बहुत सारे फूल भी आएंगे और कलियां भी आएगी और हमारे पौधे के जड़ में जो कीड़े मकोड़े या फंगस लगने का ई है वो भी दूर होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहला काम हमें ये करनी है, ये जो हमारे गुलाब के पौधे में फूल जितना भी सारे फूल आए हैं, ये जितने सारे फूल है वो सूख गए हैं, उसको हमें काट के हटा देना है। यहाँ पत्तियों के दो तीन पत्तियों के नीचे से काट लेनी है, कुछ इस तरह से काट के हटा देनी है। सारे जितने भी फूल सूखे हुए हैं सबको इस तरह से कट कर देना है ताकि हमारे पौधे में फिर से नई ब्रांचेस निकल सके। ये आप देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत सारे फूल सूख गए हैं, तो उसको मैं काट के हटा देती हूँ ताकि मेरे पौधे में फिर से नई ब्रांचेस निकल सके। ये देखिए, बहुत सारे फूल सूखा हुआ है और इसमें फूल आना बंद हो गया है। और दूसरा कारण है दोस्तों, हमारे पौधे में जितने भी हमारे पौधों के मिट्टी जो है, और दूसरा कारण ये भी होता है दोस्तों, हमारे गुलाब के पौधे में जो है इस तरह के सकर ब्रांच बहुत ज़्यादा निकल आती है, इसी के कारण भी हमारे पौधे में फूल आना बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत लंबी हो गई है, देख रहे हैं। तो इस तरह के जितनी सारी सकर ब्रांच होती है, निकलती है हमारे पौधों के जड़ों के नीचे से, उसको भी इस तरह से कट करके हटा देनी है। इस तरह के ब्रांचेस जितने भी निकलता है आप उसको काट के हटा दीजिए ताकि हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ हो सके और बढ़िया से फूल आ सके। ये देखिए, मेरा यहाँ और एक सकर ब्रांच निकला है, दो गो जड़ के एकदम नीचे से। तो इस तरह का जो ब्रांचेस निकलता है ना दोस्तों, ये फूल उतना क्या, इसमें एक भी फूल नहीं आता है, इसमें फूल आना बंद हो जाता है। हमारे पौधों का जितने भी न्यूट्रिशन है वो वही ब्रांच ले लेता है, तो हमारा पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए आप जब भी इस तरह का ही देखें तो आप अपने पौधे से उसको तुरंत काट के हटा दीजिए ताकि हमारा पौधा अच्छी से ग्रोथ हो सके। और ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पौधे में बहुत सारे कलियां आ चुकी है।
मैंने भी जितने भी सकर ब्रांच निकला था मैंने सारे कट कर दी हूँ। और ये देखिए, ये मेरा पौधा मेरा इतना बड़ा हो गया है, उतना ऊपर में जाके कलियाँ खिली हुई है। देखिए ये जमीन में लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये देखिए कितना ऊपर चल गया है। और एक बात है दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम में हमारे गुलाब के पौधे में प्रॉपर धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। धूप लगाने से ही हम जितने भी लिक्विड खाद डालते हैं उसमें, अगर आप धूप नहीं लगाइएगा अपने पौधे को तो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारे पौधे में धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 4 से 5 घंटे का धूप आप दे सकते हैं, उतना ही काफ़ी है, 4-5 घंटे। ये मेरा ज़मीन में पौधा है तो इसीलिए इस पौधे में मेरा दिन भर का धूप लग जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आप अपने किचन से ही एक शक्तिशाली खाद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। ये चाय पत्ती हमारे गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। हमारे गुलाब के पौधों को चाय पत्ती बहुत पसंद है। और ये छोटी सी चीज़ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हींग। ये दोनों को मिला के आपको क्या करना है, आप 500 ml पानी लीजिएगा दोस्तों, 500 ml लीजिए या 1 लीटर लीजिए। 1 लीटर पानी में आप इसको 1 चम्मच चाय पत्ती को और ये चुटकी भर हींग, ये दोनों को आप रात भर भिगो के रख देना है फ्रेंड्स। ये जो हींग होता है ना दोस्तों, ये हींग हमारे पौधे की जड़ों की मिट्टी को, ये जो हींग होता है दोस्तों, ये हींग हमारे गुलाब के पौधे को किसी भी तरह से कीड़े मकोड़े या फिर फंगस के से बचाता है। इसके स्मेल से हमारे गुलाब के पौधों में फंगस, बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगता है, दूर भाग जाता है। हींग का इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है दोस्तों, और इसका फायदा भी बहुत है। इसीलिए हमारे पौधे में हींग को, हींग और चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डालने से बहुत ही फायदा होता है। और ये चाय पत्ती तो आप जानते ही है नाइट्रोजन से भरपूर होता है, और हमारे हींग के तो 10 फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसे बना के रखी हूँ। मैं इसे रात भर पहले 24 घंटा पहले भिगो के रखी थी। आप भी इस तरह से 24 घंटा पहले भिगो के रखने से कुछ इस तरह से कलर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने यहाँ 1.5 लीटर पानी ली हूँ। ये मेरा 0.5 लीटर खाद है तो इसमें मैं 1.5 लीटर पानी ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ छानी नहीं हूँ दोस्तों, छानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप उस तरह से अपना ये खाद बना सकते हैं, आपका जिस तरह पौधा है, ज़मीन में है या फिर बड़े कंटेनर में है, 10 इंच से या 12 इंच या 15 इंच का कंटेनर में है, तो आप उस रिक्वायरमेंट से बना सकते हैं। ये तो मैंने मेरे तीन छोटे छोटे गमले हैं और 2 मेरे ज़मीन में पौधे हैं, तो उसके लिए मैंने बनाई हूँ। ये ज़्यादा आपको नहीं देना है, ये जो आप मग देख रहे हैं इसमें बस इतना ही देना, भर के नहीं दीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, लिक्विड डालने से पहले हमारे पौधों के जो सामने जितने भी इस तरह का उसके सूखी पत्तियां हो या फिर कोई घास उस निकल आया हो तो सारी चीज़ों को हटा देनी है। उसके बाद यहाँ से 1-2 पत्तियां भी होगा तो उस सबको हटा देना है दोस्तों, ताकि किसी प्रकार के फंगस वगैरह नहीं लग पाए। ये देखिए, और हमारी मिट्टी भी आप देख सकती है एकदम ये भुरभुरी है। तो सर्दियों में हमेशा खाद इसी टाइम देना चाहिए दोस्तों, जो हमारी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, क्योंकि सर्दियों में उतना जल्दी तो सूखता नहीं है, इसीलिए थोड़ा हमारी मिट्टी सूखा रहे तब भी डालने से अच्छा होता है। तो ये देखिए, इतना ली हूँ मैं और हमारे पौधों में डाल दे रही।
ये सिर्फ जड़े में ही डालना है दोस्तों, ताकि आसानी से हमारे पौधों के जड़ों तक जा सके और हमारे पौधों में अच्छी फ्लावरिंग हो सके। ये देखिए इस तरह ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से हमारे पौधों में बहुत ही सुंदर फूल खिलेंगे और बड़े बड़े खिलेंगे। ये देखिए ये छोटा सा ही गुलाब है दोस्तों, इस ये इतना छोटा छोटा ही फूलेगा। और ये गुलाब जो है ये बेलिया गुलाब है, आप तो जानते ही होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा मेरा जमीन में है, इसीलिए मैं इसे भर के दे रही हूँ। आपका पौधा गमले में है तो आप उसे आधा ही मग दीजिएगा, पूरा भर के नहीं दीजिएगा। दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से हमारे पौधों में नई नई ब्रांचेस आती है और नए बहुत बड़ी बड़ी कलियाँ खिलती है। ये देखिए ये हमारे पौधे में कितने सारे नई नई ब्रांचेस निकल रही है और अभी इसमें बहुत सारे भर भर के फूल भी आएंगे, कलियाँ आना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।